सो फाइनली बहुत सारे इंतज़ार, एंटिसिपेशन और क्यूरियोसिटी के बाद फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने एक काफ़ी मेजर डिसीजन लिया है जो आने वाले कुछ सालों में हमारे देश के लिए और देश में दिन ब दिन बढ़ने वाले ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक काफ़ी क्रूशियल डिसीजन साबित होने वाला है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कौन सा डिसीजन लिया है और इससे आप और मेरे जैसे नॉर्मल बायर्स को क्या फ़ायदा होगा और ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे देश के फ्यूचर के लिए, आज की वीडियो में हम इसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। सो व्हाट इज़ अप पीपल, दिस इज़ फ्यूचर मोबिलिटी, माय नेम इज श्रेयस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ टॉपिक। तो पिछले साल यानी जून 2023 में टेस्ला की कर्ता धर्ता, दुनिया के सबसे अमीर इंसान और इंटरनेट के ओजी मीम लॉर्ड यानी हमारे चहेते इलॉन मस्क, उन्होंने जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ मीटिंग की थी और वो कुछ बाकी मिनिस्टर्स को भी मिले थे, इसके बाद लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया था कि वो शायद टेस्ला की इंडियन मार्केट में एंट्री करवाने के लिए कुछ प्रपोजल्स को लेकर आए हैं। एंड इट लुक्ड लाइक ही वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट ब्रिंगिंग द बिगेस्ट टीवी ब्रांड इन द वर्ल्ड एके टेस्ला टू इंडियन शोर्स। उसके कुछ ही दिन बाद हमें कुछ सोर्सेज से पता चला कि इलॉन मस्क ने एक काफ़ी अच्छा बिजनेस प्रपोजल रखा था इंडियन गवर्नमेंट के सामने, जिसके मुताबिक वो चाहते थे कि इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में इंपोर्ट कराई जाने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 15% का टैक्स लगाना चालू करे, लेकिन ये टैक्स कुछ लिमिटेड यूनिट्स पर ही लगाया जाएगा और इस टैक्स को अवेल करने के लिए हर एक ब्रांड को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी होगी। यानी 15% टैक्स उन्हीं कंपनियों पर लागू होगा जो इंडिया में उनकी सस्ती गाड़ियों को सेल करेंगे। इसका मतलब ये भी होता है कि टेस्ला को उनकी किसी एक गाड़ी को इंडिया में मैन्युफैक्चर करना होगा। और इस न्यूज़ के बाहर आने के बाद हमें कुछ ऐसे भी खबरें सुनने को मिली थी जहाँ बताया जा रहा था कि टेस्ला अब एक सब 20 लाख प्राइस वाली ईवी को लॉन्च कर सकते हैं जो इस वक्त मार्केट में तहलका मचाने वाले टाटा और महिंद्रा के साथ कम्पीट करेगी। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ₹33 लाख से नीचे की प्राइस वाली गाड़ियों पर 70% और उसके ऊपर वाली गाड़ियों पर 100% तक टैक्स लेवी करती है। नाउ यू गाइस नो द रीजन व्हाई ईवीज लाइक किया EV6 आर सोल्ड एट मोर देन डबल द प्राइस एज कम्पेयर टू यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट्स। लेकिन अब हमें लेटेस्ट खबरों से पता चल रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली इस बात पर डिसीजन ले लिया है और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अब सारे नॉन इंडियन ब्रांड्स को इंडिया में गाड़ियों को 15% टैक्स के साथ सेल करने का मौका दे रहे हैं। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ शर्तें रखी है जिन्हें पूरा करने के बाद ही ब्रांड्स इस पॉलिसी का फ़ायदा उठा पाएंगे। तो आइए जान लेते हैं कि ये टर्म्स क्या है। सबसे पहला टर्म है कि किसी भी कंपनी को सबसे पहले मिनिमम ₹4,150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा। देन सेकेंड टर्म यह है कि उन्हें इंडिया में 3 साल के अंदर एक प्रोडक्शन फैसिलिटी को सेटअप करना होगा और 5 साल के अंदर 50% DVA या फिर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन रीच करना होगा, जिसमें 25% लोकलाइजेशन बाय द 3rd ईयर और 50% बाय द 5th ईयर रीच करना होगा। अगर वो इन क्राइटेरियाज को फुलफिल कर पाते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट उन्हें हर साल 8,000 यूनिट्स को इम्पोर्ट करवाने का मौका देंगे, जिनमें 15% का इम्पोर्ट टैक्स लगेगा अगले 5 सालों के लिए और इन गाड़ियों का मिनिमम प्राइस ₹29 लाख से शुरू होना चाहिए। लेकिन इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड इट सेज दैट ये रूल सिर्फ सीकेडी राउट से आने वाली गाड़ियों पर ही लागू होगा, यानी ऐसी गाड़ियाँ जिनके पार्ट्स इंडिया में इम्पोर्ट करवा के उन्हें यहाँ असेंबल किया जाता है। सो इट लुक्स लाइक इंडियन गवर्नमेंट बाहर से आने वाली कंपनियों को इंडिया में ग्रो करने का मौका देना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम जो कुछ इंडियन ब्रांड्स है लाइक टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ओला, वो उन्हें भी एक फेयर चांस देना चाहते हैं। बाय द वे मैं ये मेंशन करना भूल गया था कि टाटा मोटर्स, महिंद्रा और ओला जैसे कई इंडियन ब्रांड्स शुरुआत से ही इस पॉलिसी के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने क्लियरली बताया था कि इस पॉलिसी को लाकर इंडियन गवर्नमेंट हमारे होम ग्रोन ऑटोमोटिव ब्रांड के साथ नाइंसाफी करेंगे और ऐसा करने से उन ब्रांड्स को बहुत नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। बट अब इंडियन गवर्नमेंट ने जिस तरह से एकदम मेटिकुलसली इस पॉलिसी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है, उसे देखकर लग रहा है कि ये शायद इंडियन और बाहर से आने वाले ब्रांड्स इन दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन साबित हो सकती है। बट इस पॉलिसी का फ़ायदा उठाकर कौन से ब्रांड्स इंडिया में एंटर करने की सोचेंगे, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं पर्सनली रिवियन और लूसिड जैसे ब्रांड्स को इंडिया में देखना चाहता हूँ। मुझे पर्सनली उनकी गाड़ियों में और उनके ओवरऑल विजन में काफ़ी पोटेंशियल नज़र आता है। और आप कौन से ब्रांड्स और उन इंडिविजुअल ब्रांड्स की कौन सी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इंडियन रोड्स पर देखना पसंद करोगे, यह आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।
सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके आपका सपोर्ट दिखाइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजीज पर बनने वाली गाड़ियों का अपडेट रखने के लिए मेरे इसी चैनल यानी फ्यूचर मोबिलिटी को सब्सक्राइब कर लीजिए।